नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत ने रूस से कहा और यूक्रेन से कि वो हमले रोके और वो बातचीत का रास्ता अपनाए। रूस के साथ जो है बातचीत की है अफगानिस्तान के सदर ने, और उनने तालिबान ने कहा है कि इस तरह से जंगी हालात से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो तालिबान की तरफ से अब एक बयान सामने आया है, उनने कहा कि जिस तरह से वहां पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं इसे रोकना होगा, और दुनिया को चाहे कि वो रूस और यूक्रेन को रोके। सवाल इससे जो जरा से पता चल रहा है, दोनों मुल्कों के लिए अफगानिस्तान यानी तालिबान ने एक पैगाम जारी कर दिया है। इस पैगाम के मुताबिक तालिबान ने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो रिस्ट्रेन हो जाए, वो हमलों को रोके और बातचीत से ही मसले का हल निकाले। तो तालिबान की तरफ से एक बयान आया है, तालिबान के सदर ने कहा है कि जिस तरह से इस वक्त हालात बने हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान ने ये मुसीबत देखी है और बिलवक्त या बिलावक्त उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब जो यूक्रेन के हालात बने हैं उन्हें रोकना होगा, क्योंकि तालिबान इससे जेल ये चीज़ें जेल चुका है।